हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रख्यास किचन। आज हम कढ़ाई पनीर बनाने जा रहे हैं, जिसमें वेजिटेबल्स डलेंगी। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्ची, ये हमने डेढ़ ली है, मतलब एक बड़ी शिमला मिर्ची है और आधी ली है, चाहे आप दो पूरी भी ले सकते हैं। इसमें ऑनियन लिए हैं हम चार, जिसमें स्लाइसेस करिए, लंबे लंबे कटिंग करिए इनकी। पनीर लिया है 250 ग्राम, जिसको हमने लंबा कट किया है। ये टमाटर लिए हैं दो, इसको हम स्कूप करेंगे और लंबा कट करेंगे। स्कूप का जो लिक्विड निकलेगा अंदर से, उसको अलग डालेंगे और जो लंबी कटिंग है वो अलग डलेगी, लाइक कैप्सिकम लगेगा वो। और ये है जो फ्राइज है, मतलब स्टार्टिंग में डलेगा, इसकी हम थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ये है लहसुन, अदरक और एक प्याज है और दो हरी मिर्ची है। इसके साथ ये धनिया, जो साबुत धनिया है, वो पिसेगा साथ में। इसका पेस्ट सबसे पहले शॉकर में डलेगा। ये मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी। ये शॉकर में डलेगा, जो कि है जीरा और राई। ये लाल मिर्ची बड़ी, एक इलायची, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक लौंग और एक काली मिर्ची। ये सब साबुत लिया है हमने। ये चिली फ्लेक्स है, जो कि लास्ट में डलेगा। और ये भी कस्तूरी मेथी है, जो लास्ट में डलेंगी। ये एकदम बनने के बाद डलेगा। कैचअप भी पूरी सब्जी बनने के बाद डलेगी। ये गार्निशिंग में यूज़ होगा, धनिया पत्ती एंड जो पनीर हमने ग्रेट किया है, यानी कद्दूकस करके यूज़ में लिया है। अब सबसे पहले हम ये टमाटर को स्कूप करके निकालना बता देते हैं आपको। ये टमाटर हम स्कूप करना बताते हैं आपको। ऐसे कट कर लिया हाफ, इसकी ये हटा दी आइस। अब ये टिप ले लिया हमने नाइफ का और ऐसे स्कूप कर दिया इसको। ये निकल गए बीज, इसको अलग यूज लेंगे, रस इसमें निकाल लेंगे हम। और इसको ऐसे लंबा लंबा, लाइक कैप्सिकम भी है कटे, जैसे लंबी लंबी काटी है वैसे इस टमाटर को काटेंगे। ये हमने स्कूप करके निकाल लिया है। और ये हमने लंबे लंबे टमाटर, देखिए ऐसे काट लिए, जैसे शिमला मिर्ची भी हमने काटी है वैसे। अब नेक्स्ट हम इसको पीस लेते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं, विद दिस ऑल्सो कोरिएंडर के साथ। ये हमने पीस लिया है मिक्सी में। ये हम अब फ्राई कर लेते हैं, मतलब सब्जी छौंक लेते हैं। ये मैं ले लूँ एक बड़ा चम्मच हो गया है और आधा। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं इसमें। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा जीरा डाल के। देखिए गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी, क्योंकि हमारा मसाला जल जाएगा। ये डाल दिया है, फिर बड़े मसाले डाल रहे हैं हम इसमें। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची थोड़ी सी, अभी थोड़ी सी डालेंगे, बाद में से डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये अदरक मिर्ची का, और इसको भूनेंगे। उसके बाद हम सारी सब्जियां डालेंगे। देखिए अब ये भुन गया है, कलर थोड़ा चेंज हो गया है इसका। अब हम इसमें ऑनियन डाल देते हैं। ये अब बन रही है हमारी, देखिए चार जनों के हिसाब से सब्जी बन रही है। इसमें मैंने छोटी इलायची भी इसलिए ली है क्योंकि थोड़ी गर्म होती है सब्जी। इसमें लहसुन वहसुन डाला है हमने अच्छे से, तो ठंडक पहुँचती है इलायची डालने से। अब ये फटाफट ही बनेगी सब्जी। प्याज डालने के बाद हम शिमला मिर्ची डाल देते हैं और थोड़ा सा उनको भूनेंगे। और इसी बीच हम गैस को भी ऑन कर देते हैं। ये मसाला देखिए भुनने लगा है। इसमें थोड़ा सा मसाला टमाटर से पहले हम डालेंगे, जो हमने रखा था, एक एक पिंच डाला था। अब ये आधी चम्मच हम लाल मिर्ची ले रहे हैं, गैस को सिम कर रखा है हमने। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डलेगा, करीब ये एक चम्मच है, छोटी चम्मच। और नमक टू टेस्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट है ये।
अब हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा। अभी हम टमाटर जो लंबे काटे थे वो डाल देते हैं, और टमाटर थोड़े से होएंगे उसके बाद जो हमने अभी थोड़ा सा भूनेंगे, एकदम हल्का सा थोड़ी देर के लिए, करीब वन देखिए कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है, रेड ग्रीन। अब इसमें ये स्कूप के हुए टमाटर डाल देते हैं, ये थोड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाती है तो हम टमाटरों को स्कूप कर लेते हैं, उसका रस डाल लेते हैं बाद में। अब हम इसको करीब सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकेंगे। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए जैसे शिमला मिर्च तो इसको थोड़ी देर ज़्यादा ढक लीजिए, और अगर आपको कुरकुरी शिमला मिर्च थोड़ी सही सी चाहिए क्रिस्पी वाली तो आप इसको 1 मिनट ढक के और फिर पनीर डालेंगे। देखिए सब्जी में ऑयल छोड़ने लगा है, देखिए ऑयल आ गया है। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं, ये 250 ग्राम पनीर था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जी धीमी आंच पे बन रही है, एक तो ये स्टील की कढ़ाई में हम धीमी आंच पे ही बनानी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी गर्म होने के कारण मसाला जल सकता है आपका। अब इसको फिर 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे सो दैट पनीर के अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। हमने ढक्कन हटा दिया है इसमें से। अब हम कैचअप डाल देते हैं क्योंकि इसमें मिर्ची भी डली है, ये 2 टीस्पून कैचअप है। अगर आपको थोड़ी स्वीट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें कस्तूरी मेथी, ये फ्लेवर बहुत अच्छा देती है, एंड दीज आर चिली फ्लेक्स, ये भी 1 टीस्पून है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसकी हम बस गार्निश करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है और इट स्मेल सो गुड। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसमें पनीर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, ये ग्रेटेड पनीर लिया था हमने, और कोरिएंडर लीव्स ले लेते हैं क्योंकि जो चीज़ हमने इसमें यूज़ करी है उसी से ऑलवेज वी हैव टू गार्निश सो दैट उसको साथ में खा सकें हम। देखिए दिस कढ़ाई पनीर इज़ रेडी फॉर यू।